Good morning, students. A wonderful morning to everyone. We have done the tenses topic. We have started the tenses topic. Now, today I am going to start past perfect tense. I have done in the series of past tense, I have done simple past. I have done past continuous. Now, the third tense in the series of past tense is past perfect tense. इससे पहले कौन सा perfect tense किया है? इससे पहले हमने किया है प्रेजेंट परफेक्ट. बेटा जब भी कोई नई चीज सीख रहे हैं पुरानी चीजों को भूलना नहीं है, बिकॉज दे आर इंटरलिंक्ड, एक दूसरे से वो इंटरलिंक्ड हैं. तो हर एक चीज जो हम पहले कर चुके हैं उसको रिकॉल करते हुए आगे चलना है. दैट इज व्हाई इन एवरी टेंस आई एम रिकॉलिंग द लास्ट टेंसेस ऑल्सो. तो पास्ट परफेक्ट से हमने पहले किया है प्रेजेंट परफेक्ट. In the series of perfect tenses, we have done one tense, that is present perfect tense. Now, present perfect tense क्या होता है? Past perfect tense समझने से पहले present perfect tense को याद करते हैं. Present perfect tense वो होता है कि कोई काम past में शुरू हुआ और उसका effect अभी तक है. कोई experience हमने past में लिया और उसका effect, उसका असर, वो experience आज भी हमारे पास है. That is fact. So that is present perfect tense. और उसके लिए हम यूज करते हैं हैज और हैव प्लस V3. डन. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस. आर यू रेडी फॉर द पास्ट परफेक्ट टेंस? लेट्स स्टार्ट. नाउ सी पास्ट परफेक्ट टेंस. नाउ बी लाइक अ टाइगर एंड जस्ट रोल. रिमेम्बर, जस्ट गिव अ लुक टू द टाइगर, ही इज गिविंग अ लुक टू यू. Now, past perfect tense. What is this tense and when do we use this tense in English? Now, see, this person is also worried and just tapping his head. Ki kab use karte hai? But no need to worry because I am here. So I'll clear all your doubts. Let's start. Now, see this example. Pay attention. I had eaten my breakfast before I went to school. Humne kal kiya tha past continuous tense. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने यूज किया था व्हाइल और व्हेन. व्हाइल आई वाज स्टडिंग द फोन रैंग, जब मैं पढ़ रहा था तब फोन बजा. व्हेन द फोन रैंग आई वाज स्टडिंग, जब फोन बजा था तब मैं पढ़ रहा था. दोनों चीजें पास्ट टेंस में हुई थी, एक कंटिन्यू में थी तब दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ था. अब पे अटेंशन क्योंकि एरर यहां पर एग्जाम में आता है. सी I had eaten. Now past perfect tense में had plus V3 लगता है. Had plus V3. Clear? I had eaten my breakfast before I went to school. Now when means V2. School जाने से पहले मैं अपना नाश्ता कर चुकी थी. अब ये स्कूल भी मैं पास्ट में गई थी, स्कूल जाने से पहले मैंने अपना नाश्ता किया था. नाउ पे अटेंशन, ये पूरा का पूरा सीन पास्ट में हुआ है, दोनों एक्शन पास्ट में हुए हैं. अब पता कैसे चलेगा पास्ट में कौन सा एक्शन अर्लियर हुआ है और कौन सा बाद में? यहां मैंने आपको हिंट दे रखी है बिफोर, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये काम पहले हुआ था. आई हैड ईटन माई ब्रेकफास्ट बिफोर. बिफोर मतलब पहले. किससे पहले? स्कूल जाने से पहले. स्कूल जाने से पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी थी. नाउ यहां तो बिफोर दिया है लेकिन स्टिल एनडीएम में सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आएगा, वहां आपको बिफोर आफ्टर नहीं दिया रहेगा. आपको चेक करना होगा कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा बाद में. तो द ट्रिक इज पे अटेंशन, जो काम पास्ट में भी पहले हुआ है, पास्ट मतलब आज से पहले, अब उस पास्ट में भी अगर दो तीन एक्शन हुए हैं तो जो एक्शन पहले हुआ है उसके साथ लगता है हैड प्लस V3. उस एक्शन में लगेगा हैड प्लस V3 और जो एक्शन बाद में हुआ है उसमें लगेगा V2. दिस इज अ ट्रिक. हम इस पे बहुत सारे सेंटेंसेस करेंगे बट जस्ट कीप दिस इन योर माइंड और वही रूल यहां इजी तरीके से आपको बताया जा रहा है. ओके, तो ये पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट टेंस, पूरा का पूरा सीन, दोनों एक्शंस पास्ट में हुए हैं. अब उस पास्ट में भी जो एक्शन पहले हुआ
वो had plus v3 that is past perfect और जो उससे बाद में हुआ वो past tense that is v2 form. Okay. Now see, easy way to understand that particular sentence. I had eaten breakfast. मैं अपना नाश्ता कर चुकी थी. Before I went to school. तो स्कूल जाने से पहले मैं अपना नाश्ता कर चुकी थी. क्लियर? तो पहले क्या हुआ? पहले मैंने नाश्ता किया. बाद में क्या किया? बाद में मैं स्कूल गई. तो जो काम पहले हुआ है, पास्ट में भी जो काम पहले हुआ है और पहले ही खत्म हो गया. स्कूल जाने से पहले मैंने अपना नाश्ता कर लिया था, दैट मीन्स वो काम पास्ट में भी शुरू हुआ और वही खत्म हो गया. उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस. ये एक्शन पास्ट का इसके बाद हुआ था. ओके, नाउ सी, दिस टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन वाज फिनिश्ड एट सम पॉइंट इन द पास्ट बिफोर समथिंग एल्स हैपन. दैट मीन्स कुछ दूसरा एक्शन शुरू होने से पहले पास्ट टेंस में जो एक्शन खत्म हो गया उसके लिए पास्ट परफेक्ट. See students, many of the students have almost have problem in perfect tenses. Present perfect, past perfect. So I am here with the easiest way, the most easy way to understand tense. So just pay attention. Again I am recalling, जो action past में start होके past में ही खत्म हो गया. यहाँ दूसरा action start हुआ, यहाँ first action, यहाँ second action. तो जो पास्ट में पहला एक्शन शुरू हुआ और पहले ही खत्म हो गया दूसरे एक्शन शुरू होने से पहले, तो इसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट. क्लियर? कंप्लीटेड एक्शन बिफोर समथिंग इन द पास्ट, दूसरा एक्शन शुरू होने से पहले. प्रेजेंट तक बात ही नहीं आई, यहाँ पूरा पास्ट है. तो यहाँ तक कोई एक्शन शुरू हुआ और यहीं पे खत्म हो गया. यहाँ दूसरा कोई एक्शन स्टार्ट हुआ, तो दूसरे एक्शन स्टार्ट होने से पहले अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो रहा है उसके लिए हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. ना सी, पास्ट परफेक्ट. अब यहाँ पर जो एक्शन होगा उसके लिए हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, दैट इज हैड प्लस वी थ्री. सो स्टूडेंट्स, अ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट, तो डोंट गेट कंफ्यूज. ना सी, ये हमारा प्रेजेंट, ये हमारा प्रेजेंट स्टार्ट हो गया. यहां से जो भी एक्शन पास्ट में हुआ था और उसका असर अभी तक है, उसका असर अभी तक है, तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और उसके लिए हम यूज करते हैं हैज और हैड प्लस वी थ्री. क्लियर? अब बात हो रही है पास्ट परफेक्ट की. नाउ सी, ये हमारा प्रेजेंट है. नाउ ये हमारा प्रेजेंट है. This whole is past. तो कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू होके पास्ट में ही खत्म हो गया उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट, जिसमें हम यूज करेंगे हैड प्लस वी थ्री. क्लियर? गॉट द डिफरेंस? नाउ यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट कहाँ यूज होता है? एक्शन टेकिंग प्लेस बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट. That means putting emphasis only on the fact, not on the duration. Remember, हमने present perfect और present perfect continuous किया था. Present perfect emphasize on action. Present perfect continuous emphasize on the duration. Same way, past perfect भी action पे, क्या काम हुआ है उस पे emphasize करता है. कब हुआ है उस पे नहीं, ड्यूरेशन पे नहीं, काम हुआ है उस पे. नाउ सी, आई हैड ऑलरेडी स्पोकन टू जैक व्हेन आई केम हियर. आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू जैक व्हेन आई केम हियर. मैं कब आया वो नहीं बात, मैंने क्या किया वो बात. नाउ व्हेन आई केम, जब मैं वहां आया था, केम वी टू, हैड ऑलरेडी स्पोकन. सी, हैड प्लस V3 spoken. तो जब मैं यहाँ आया था मैं जैक से बात कर चुका था. तो पहले क्या किया था मैंने? पहले मैंने बात की थी. सेम ट्रिक, जो काम पास्ट टेंस में पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जो उसके बाद हुआ है उसके
के लिए वी टू दैट इज पास्ट टेंस. नाउ सी, ये अभी का टाइम है, यहाँ पास्ट. पास्ट में मैं यहाँ आया, उसके आने से पहले ही मैंने जैक से बात करी थी. नाउ सी द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस इज प्रेजेंट. प्रेजेंट की बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है पास्ट की. जब मैं वहां आया था पास्ट टेंस में ही, ये पूरा पास्ट है, ये पूरा पास्ट है, यहां तक ये पूरा पास्ट. ओके, जब मैं यहाँ आया था मैं पास्ट में ही आया, उस आने से पहले भी मैं जैक से बात कर चुका था. तो ये काम पहले हुआ, बात करने वाला, तो यहाँ पर हैड प्लस वी थ्री. पास्ट में दो एक्शन हुए हैं, आई स्पोक टू जैक एंड आई केम हियर. मैंने जैक से बात की थी और मैं वहां आया था. क्लियर? अब जैक से पहले बात की कि मैं वहां आया पहले, कैसे पता चलेगा? दोनों में से जो काम पहले हुआ है, मैंने जैक से पहले बात की थी, इसलिए वहां हैड प्लस वी थ्री, हैड स्पोकन. अब ऑलरेडी इसलिए दिया है ताकि आपको सेंटेंस समझ में आए. ऑलरेडी मतलब हमने किया है, ऑलरेडी मतलब पहले से, तो वो सेंटेंस क्लियर हो जाए. दैट इज व्हाट ऑलरेडी इज रिटन देयर. ओके, नाउ हाउ डू वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस? द पास्ट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस द एक्शन इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट. दिस इज पास्ट इन द पास्ट, रिमेंबर दिस. हम पास्ट परफेक्ट यूज कहां करते हैं? एक काम हुआ है पास्ट में दूसरे काम से पहले, एक काम हुआ है दूसरे काम से पहले, इसलिए हम उसको बोलते हैं पास्ट इन द पास्ट. पास्ट इन द पास्ट मीन्स पास्ट टेंस में भी जो पहले हुआ है. आज जो हो रहा है आज से पहले पास्ट टेंस. अब पास्ट टेंस में भी जो पहले हुआ है उसको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस. दैट मीन्स पास्ट इन द पास्ट. नाउ सी, द ट्रेन लेफ्ट एट 9 AM, वी अराइव्ड एट 9:15 AM. यहां मैं आपको टाइम देके बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा. ट्रेन कितने बजे गए? 9 बजे. हम कितने बजे आए? 9:15 पे. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले क्या हुआ? पहले ट्रेन गई. तो when we arrived the train had left. Now see this sentence. यहाँ पे ना ऑलरेडी है ना बिफोर है, कोई भी सिग्नल वर्ड नहीं है. स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ है. तो कौन सा काम पहले हुआ है? ट्रेन पहले गई. अब ये सेंटेंस अगर आपको नहीं दिया रहता तो आप कैसे पता चला थे? हैड प्लस वी थ्री जिस वर्ब में लगा है वो काम पहले हुआ है, उसके बाद जो काम हुआ है उसमें लगेगा वी टू. नाउ चेक आउट द सेंटेंस. व्हेन वी अराइव, सीक्वेंस पे जाना ही नहीं है. सेंटेंस में जो सीक्वेंस दिया है, अगर ये काम पहले दिया तो ये काम पहले हुआ है, नो, ये रूल नहीं है. सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है. यू हैव टू चेक आउट द टेंस. नाउ व्हेन वी अराइव, जब हम वहां गए थे द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी. अब कैसे पता चल रहा है? हैड लेफ्ट, हैड प्लस वी थ्री, दैट मीन्स पास्ट इन द पास्ट. पास्ट टेंस में भी जो पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट. तो ट्रेन पहले गई, हम बाद में गए. क्लियर? सो दिस इज द रूल. एनडीए में इसी पे एरर आता है. अगर आप एक्शंस में टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब अप्लाई नहीं करेंगे तो देयर विल बी एरर. नाउ ही केम टू माय हाउस. सी, मैं दोनों चीजें क्लियर कर रही हूँ आपको. ही केम टू माय हाउस, दिस इज वी टू, तो दिस इज सिंपल पास्ट टेंस. क्लियर? आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट, हैड प्लस वी थ्री, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस. अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों पास्ट में हुआ है. ही केम टू माई हाउस आफ्टर आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट, जब मैं जा चुका था उसके बाद वो आया था. तो पहले क्या हुआ? पहले मैं गया था, हैड प्लस वी थ्री. गॉट दैट? नाउ सी अगेन, द पास्ट परफेक्ट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट समथिंग अकर्ड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट. इट कैन ऑल्सो शो दैट समथिंग हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. कि कब हुआ था? एक टाइम से पहले, वो भी पास्ट. नाउ सी, शी ओनली अंडरस्टूड द मूवी बिकॉज शी हैड रेड द बुक. नाउ बिकॉज शी हैड रेड द बुक, अब वो मूवी समझ पाई. क्यों? क्योंकि वो पहले से ही उस मूवी के ऊपर की बुक पढ़ चुकी थी. नाउ शी ओनली अंडरस्टूड, दिस इज वी टू, दिस इज हैड प्लस वी थ्री. पहले क्या एक्शन हुआ? पहले उसने बुक पढ़ी थी,
उसके बाद मूवी देखी थी। नाउ सी, आई हैड नेवर सीन हैड प्लस वी थ्री सच अ ब्यूटीफुल सनसेट बिफोर आई वेंट टू हवाई। सो दिस इज पास्ट टेंस। तो पहले क्या हुआ था? पहले ही, उसके बाद हुआ। ओके, now how do we make the present perfect tense in English? Can you think of the grammar rule? He had already left when she called. तो पहले क्या हुआ? पहले उसने फोन किया कि पहले वो गया? पहले वो जा चुका था, उसके बाद उसने कॉल किया। Now see that girl is calling the man and the man has already left the room. Okay? What's the formula? Had plus past participle. Past participle you all know. पास्ट पार्टिसिपल को हम V3 फॉर्म भी बोलते हैं। वी यूज हैड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। नाउ एक बर्डन यहाँ कम हो गया। हम प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर के साथ हैज यूज करते थे, प्लूरल के साथ हैव यूज करते थे, आई यू वी के साथ हम हैव यूज करते थे। बेटा जस्ट पे अटेंशन, आई यू वी के साथ हमेशा और हमेशा हैव यूज होता है। यस्टरडे सम पर्सन जस्ट सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स ऑफ द होमवर्क, ही हैज यूज्ड हैज विद आई। I के साथ कभी भी has use नहीं होता है। Clear? I के साथ have use होता है। But in past perfect tense, no confusion at all। चाहे I हो, चाहे you हो, चाहे he हो, चाहे she हो, चाहे it हो, चाहे we हो, चाहे they हो, सबके साथ सिर्फ और सिर्फ had। The easy one। कोई भी subject हो, सिर्फ had use होगा। Okay? Now see, affirmative sentence, affirmative। I, you, he, she, we, you, they, सबके साथ सिर्फ और सिर्फ had use होगा। Now this is V3। Now you can make many sentences. I had done my work, you had done your work, you had written the notes, you had completed the notes, you had eaten the breakfast, you had done everything. Clear? So these are the examples of the past perfect tense in the affirmative form. Now see the examples. I had done all my home assignment before I visited my friend mom. तो मैं अपना पूरा काम कर चुका था अपने फ्रेंड से मिलने से पहले। तो काम पहले क्या हुआ? अपना पूरा काम कर चुका था, assignments complete कर चुका था। This is past perfect. Now see, when Sarah arrived the party, Peter had already left. जब सारा पार्टी में आई थी, पीटर पहले ही जा चुका था। सी हैड प्लस वी थ्री, दैट इज ये काम पहले हुआ। नाउ सी एवरीबॉडी इज डांसिंग एंड शी गॉट लेट। नाउ सी द एक्सप्रेशन, द वुमन सिटिंग नियर मी वाज नर्वस, शी हैड नेवर फ्लोन बिफोर। नाउ फ्लो करना, फ्लोन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोन? फ्लोन फ्लाई, न्यू फ्लोन, फ्लाई मतलब उड़ना। तो वो लेडी उड़ रही थी, उड़ रही थी ना। व्हाई दिस वर्ड फ्लोन इज गिवन देयर? व्हाई दिस वर्ड फ्लोन? दैट मींस दैट लेडी मस्ट बी सिटिंग इन द फ्लाइट। तो शी मस्ट बी नर्वस बिकॉज़ इससे पहले कभी उसने फ्लाई नहीं किया था। तो वी यूज दिस वर्ड कि आई फ्लू टू दुबई लास्ट मंथ, मतलब मैं उड़ के गई थी? नो, मैं बाय एयर गई थी। अब बाय एयर गई थी मतलब हवा से गई थी? नो, बाय प्लेन गई थी। तो दीज आर द लेटेस्ट वोकैबुलरी वर्ड्स टू यूज इन योर डे टू डे लैंग्वेज। आई फ्लू टू अमेरिका, आई फ्लू टू अमेरिका मतलब मैं अमेरिका गई। कैसे गई? उड़ के गई। उड़ के गई मीन्स प्लेन से गई। ओके, तो फ्लोन इज द V3 फॉर्म ऑफ फ्लाई। ओके, नाउ सी हाउ नर्वस शी इज बिकॉज शी इज फर्स्ट टाइम फ्लाइंग। फर्स्ट टाइम फ्लाइंग, उड़ रही है वो? नहीं उड़ रही। नेगेटिव सेंटेंसेस, अब आपको पता चल गया होगा नॉट बहुत डरपोक है, तो नॉट के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैड। तो नेगेटिव में हैड प्लस नॉट प्लस V3, हैड प्लस नॉट प्लस V3, और हैड प्लस नॉट हो जाता है हैडेंट। हैड प्लस नॉट हैडेंट। नाउ सी, the teacher hadn't finished correcting papers when the student started to arrive. तो पहले क्या हुआ? पहले ये काम खत्म नहीं हुआ था और ये बिल्कुल ये काम शुरू हो गया। Okay? Now questions means interrogative. Interrogative
इंट्रोगेटिव में भी हैड पहले आएगा. नाउ हैड आई डन इट, हैड यू डन इट, हैड शी डन इट, हैड ही रिटन द नोट्स, हैड ही कंप्लीटेड राइटिंग द असाइनमेंट, हैड वी डन आवर वर्क, हैड वी ईटन आवर फूड, हैड दे फ्लोन काइट्स, क्या उन्होंने पतंगे उड़ा ली थी. एनीथिंग, एनी सब्जेक्ट यू कैन टेक, एनी वर्ब फॉर्म यू कैन टेक एंड मेक एज मेनी सेंटेंसेस एज यू कैन. ओके, नाउ हैड पीटर लेफ्ट बिफोर मैरी अराइव टू द पार्टी, क्या मैरी के पार्टी में आने से पहले पीटर जा चुका था. तो पहले क्या पीटर पहले जा चुका था, तो जो काम पहले हुआ उसके साथ पास्ट परफेक्ट. नाउ हैड वी कुक्ड डिनर बिफोर मॉम केम, तो मॉम के आने से पहले क्या हमारा खाना बन चुका था, तो पहले क्या हुआ, खाना बना कि मॉम आई, पहले खाना बना. नाउ अगेन जस्ट टू रिकॉल ऑल द थिंग्स, दिस इज एफर्मेटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज इंट्रोगेटिव. नाउ सब में हैड ही लगेगा, सब्जेक्ट कोई भी हो. नाउ सी, आई हैड फिनिश्ड माय वर्क, यू हैड स्टॉप्ड मी, शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वी हैड नॉट लेफ्ट फॉर स्कूल. नाउ हैड यू अराइव, हैड दे ईटन डिनर, हैड दे ईटन डिनर. Everything in the recap, everything in the summary, this is positive, this is negative, this is interrogative. Okay, so now make as many sentences as you can on this structure. First of all, write the structure, write the examples I am giving to you, then make your own sentences. Okay, now see, one more example chart for you, positive, negative, interrogative. Clear? Same thing in the clear thing. I had finished my work. Had stopped before me, she had not gone to school, we had not left, had you arrived, had they eaten dinner. Clear? These are the some of the examples for the whole summary of the past perfect tense. Okay. Now, short form. I had go, aap aisa bhi likh sakte hain. Now see, pay attention. I had go, aap I, apostrophe comma or D. This is the short form of I had. You had go like this. He had, she had, it had, we had, they had. These are the short form or the contracted form. Contract karna, short karna. Expand karna, bada karna. These are the contracted form of past perfect tense. Now, again, a summary for that. Auxiliary verb, that means helping verb plus V3. So, had plus V3. Now, positive, I had spoken. Negative, I had not spoken. Question, had I spoken. Now see, easy way to memorize all the things. Okay. Now, humne jo abhi tense kiya, us pe I'll do the practice. Us pe we'll do practice and I'll give you some questions and you just answer the questions. Now, the practice session for the past perfect tense. So, let's check it out. Now, Karin had finished making dinner by the time her husband came. Now students, as I have told you, we will do some practice. So let's have some practice. Check it out. Again, one example is given to you. Karin had finished making dinner. Beta, is type ke sentences aapko sentence completion mein NDA exam mein aayenge. They'll give you 4 options for the verb. And you have to supply the best form of verb as per the theme of the sentence, as per the mood of the sentence. Now see, Karin had finished making dinner by the time her husband came home. So Karin ne dinner bana liya tha jab uske husband ghar aaye the. Now this is V2. This is past perfect. That is had plus V3. Now see the dinner. Feeling hungry? Looking at the food? The food is waiting for you. Just enjoy. The Karin had finished making dinner by the time. Now see the timing word. By the time. By the time, timing signal word. By the time her husband came home. Jab uske husband ghar aaye the, usse pehle
वो खाना बना चुकी थी। तो जब उसके हस्बैंड घर आए थे, अगेन पास्ट टेंस में, अब पास्ट टेंस में भी पास्ट में क्या हुआ, पास्ट इन द पास्ट, पास्ट परफेक्ट, दैट इज हैड फिनिश्ड। नाउ वन एग्जांपल यू हैव टू सॉर्ट इट आउट, व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टोर, नाउ सी व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टोर, जब मैं स्टोर पर गई थी क्या देखा मैंने, ये वाला बोर्ड। इस बोर्ड पे क्या लिखा है, सॉरी वी आर क्लोज्ड। तो जब मैं स्टोर पे गई थी तब स्टोर बंद हो चुका था। तो मैं पहले गई कि स्टोर पहले बंद हुआ, स्टोर पहले ही बंद हो चुका था। तो व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टोर इट हैड, आपको वर्ब फॉर्म दिया है क्लोज, had plus V3, it had closed already, clear? तो यहाँ पे क्या आएगा, it had closed। कोई भी चीज रटनी नहीं है, समझ के करनी है, एक्शन को दिमाग में रख के करना है, रटना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रटना। Now see, sorry we are closed, वो बोल रहे हैं हमने अपना स्टोर बंद कर दिया है, हमने अपना काम बंद कर चुके हैं। तो जब मैं वहां गई थी वो पहले से ही बंद हो चुका था, तो जो काम पहले से ही हो चुका था उसके लिए had plus V3, understood? Now again check out some more examples for past perfect. Now see, I had visited my sister before she went to Mexico. मैं अपनी सिस्टर से मिला था उसके मेक्सिको जाने से पहले। Okay, अब काम पहले क्या हुआ, मैं पहले मिला, उसके बाद वो मेक्सिको गई थी। तो जो काम पास्ट में भी पहले हुआ है उसमें हैड प्लस वी थ्री, जो बाद में हुआ है उसमें वी टू, ये याद रखना। जो काम पहले हुआ है उसमें हैड प्लस वी थ्री, जो बाद में हुआ है उसमें वी टू। नाउ रीड ऑल द एग्जांपल्स। She had visited her sister before she went to Mexico. He had visited his sister before she went to Mexico. You had visited your sister before she went to Mexico. We had visited our sister before she went to Mexico. And they had visited their sister before she went to Mexico. Now see, एक ही practice session में बहुत सारे rules हम recall कर रहे हैं. See, this is possessive pronouns. Possessive pronouns, possessive pronouns as per the subjects लगते हैं। I के साथ my, she के साथ her, he के साथ his, वो अपनी, उसकी sister के साथ, वो you के साथ your, we के साथ our, they के साथ their। So possessive pronoun भी साथ में ही recall हो गए। Okay, now last one for today। When I arrived home, जब मैं घर आई थी, I found, now again V2, I found that somebody had broken into my house. Had broken into my house, to break means, this is a phrasal verb, to break means किसी ने चोरी करने के लिए घर में घुसना, ताला तोड़ के घर में घुसना, that means, just memorize this, this is a phrasal verb, to break means to enter without permission. Just note down this in your register. To break means to enter without permission. किसी के घर में या कहीं भी किसी जगह पर बिना permission के घुसना, चोरों की जैसे घुसना। तो someone had broken into my house. तो जब मैं घर गई थी तब मैंने वहां क्या देखा था कि कोई मेरे घर में घुसा था। तो दोनों में से एक्शन, इन तीनों में से पहले क्या हुआ, ये पहले हुआ। तो दैट मींस पास्ट परफेक्ट। नाउ सी, एंड हैड स्टोलन माय आईपॉड। अब अगेन देखो, चार एक्शंस दिए हैं, अभी तक हम दो दो एक्शंस कर रहे थे। दोनों में से जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट या वी टू फॉर्म। नाउ सी, दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस, एग्जाम में ऐसे ही आएंगे। वी आर कमिंग टू अ डिफिकल्ट लेवल नाउ। अब यहाँ पर चार एक्शंस हुए हैं जिसमें से दो पहले हुए हैं, दो बाद में हुए। रूल अभी भी सेम है, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस। जो काम पहले हुए हैं वो हैड प्लस वी थ्री, जो बाद में हुए हैं
वो सिंपल पास्ट टेंस. अगेन व्हेन आई अराइव्ड होम आई फाउंड, ये दोनों एक्शन. देन समवन हैड ब्रोकन एंड समवन हैड स्टोलन, कोई मेरे घर में घुसा था और मेरा आईपॉड चुरा के ले गया था. तो ये दोनों एक्शन पहले हुए हैं, ये दोनों बाद में हुए हैं, और जो पहले हुए हैं उनके पास हैड प्लस वी थ्री. वन मोर एग्जाम्पल, आई हैड नेवर फ्लोन, दिस इज इन द नेगेटिव सेंस, सो आई वॉज वेरी नर्वस. अगेन फ्लोन, फ्लोन मीन्स फ्लाई करना, उड़ के जाना बाय फ्लाइट. ओके, तो आई हैड नेवर फ्लोन सो आई वॉज वेरी नर्वस. मैं इससे पहले कभी भी मैंने फ्लाइट नहीं ली थी या मैंने एयर जर्नी नहीं की थी, इसलिए अभी मैं नर्वस हूँ. तो पहले क्या नहीं किया था, फ्लाई नहीं किया था. नाउ शी डिसाइडेड नॉट टू कम टू एक्वापोल्को विद अस बिकॉज शी हैड बीन देयर बिफोर. वो हमारे साथ एक्वापोल्को नहीं जा सकी बिकॉज वो पहले ही वहां जा चुकी थी. तो जो काम पहले हुआ है, हैड प्लस वी थ्री. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड पास्ट परफेक्ट टेंस, द यूसेज, द प्रॉपर सीक्वेंस, द यूसेज ऑफ द वर्ब फॉर्म्स एंड द फॉर्म्स पॉजिटिव, दैट इज अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द होल टेंस विद द एग्जाम्पल्स. नोट डाउन ऑल द एग्जाम्पल्स, जस्ट मेक एज मेनी सेंटेंस एज यू कैन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट फील फ्री टू मैसेज मी. सो स्टूडेंट्स, इन द सीरीज ऑफ एनिमल idiom, today's idiom is as blind as bat. As blind as a bat. Now what is bat? आजकल तो bat बहुत hero बना हुआ है news channels में. Bat means chamgadar. Remember the main culprit behind the corona? Corona spread होने के लिए who is the main culprit? This bat. Somebody has eaten the bat and due to that the infection has been spreading rapidly. Okay. So the idiom is as blind as a bat. तो क्या आपको लगता है bat देख सकता है? No. Bat देख सकता है? As blind as a bat. तो बैट की आईसाइट बहुत वीक है. एज ब्लाइंड एज अ बैट किसको दिखाई नहीं दे रहा. तो जिसको भी दिखाई नहीं देता हूं उसके लिए हम ये चीज बोलते हैं एज ब्लाइंड एज अ बैट. कई बार ऐसा होता है योर मॉम मस्ट बी शाउटिंग एट यू समटाइम्स कि यू आर नॉट एबल टू सी थिंग्स विच आर इन रियलिटी फ्रंट ऑफ यू. आपको दिखाई नहीं दे रही बिकॉज यू आर बिजी समवेयर एल्स. ओके, मॉम ने आपको बोला कबर्ड में से सामान निकाल के लाओ और वहीं होता है बट आपको दिखाई नहीं देता. तो मॉम कैन यूज दिस idiom ऑन यू कि यू आर एज ब्लाइंड एज अ बैट, कि सामने पड़ी हुई चीज दिखाई नहीं दे रही, कहां ध्यान है आपका. बट एज ब्लाइंड एज अ बैट मींस नॉट एबल टू सी वेल बिकॉज ऑफ वेरी बैड आईसाइट. जिनकी आईसाइट वीक होती है उनके लिए हम यूज करते हैं एज ब्लाइंड एज अ बैट. बट नाउअडेज as most of you are busy in the mobile, so it can harm your eyesight. So don't be as blind as a bat. Just have a proper distance between mobile and yourself so that you can save your eyes. So today's idiom, as blind as a bat. And again we'll meet tomorrow with a new idiom, with a new topic. Till then, stay tuned. Bye.